हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कच्चे आलू की तीखी चटपटी चटनी। चटनी सभी को पसंद आता है और ये चटनी कुछ अलग है क्योंकि ये कच्चे आलू का है और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैं ली हूँ 2 मीडियम साइज के आलू, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 4 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, 6 से 7 लहसुन की कली। और यहाँ पर मैं खट्टे के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ आम का अचार 1। अगर आपके पास आम का अचार नहीं हो तो आप नींबू या आंवला कुछ भी यूज कर सकती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ नमक और 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तो चलिए अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से कट कर लेंगे ताकि हमें पीसने में अच्छा हो, आसानी हो। ये देखिए, इसको मैं 4 भागों में कट कर लेती हूँ। के बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम धनिया पत्ता को भी कट कर लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं काटना क्योंकि ये तो इसको हमें पीसना ही है, तो हमें ज्यादा बारीक नहीं कट करना है। के बाद हम मिर्ची का डंडी हटा के इसमें डाल देंगे। आप अगर ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप कम मिर्ची डालें। ये मैं चटनी थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ, इससे ज़्यादा मिर्ची है। उसके बाद हम इसको अदरक को भी कट कर लेंगे। अब उसके बाद लहसुन की कली भी डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें एक बार पीस लेंगे, तब हम इसमें आम का अचार डालेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से सारा मिक्स होके पिसाएं। अब हम इसको बंद करके और मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, हम इसमें आम का अचार जो है सो डाल देते हैं और उसके बाद हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक हम इसमें 1/2 चम्मच डाल रहे हैं। उसके बाद हम नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसको फिर से एक बार चला देंगे। ये देखिए, आधा ये पिसा चुका है, एक बार और हम चलाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। चलिए एक बार हम इसे चला देते हैं। ये देखिए, चटनी हमारा पिसा चुका है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और मेरे तो मुँह में पानी आ गया इसको देख के। तो चलिए अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए, चटनी बन के रेडी है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हम इसमें 2 ही चम्मच डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला के और चटनी खाने के लिए रेडी है। आप इसे कभी भी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, चटनी हर समय खाया जाता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।